दोस्तों मैं और मेरा भैया लग गए हैं फिर से खाने की कुछ जुगुप में। बन रही है इमली की खट्टी मीठी चटनी और सारा काम मैं मनु से ही करवाने वाली हूँ। यम्मी, मुझे तो इमली वैसे भी अच्छी लगती है यार। गुठलियाँ डालनी पड़ेंगी ना दीदी, सारी गुठलियाँ। ये निकल गई इमली की सारी गुठलियाँ और इसका जो पल्प है वो इस तरीके से बना दिया है, थोड़ा पानी भी मिक्स किया है और ये सारी गुठलियाँ साइड कर दी। अब हमने इसको पकाना है थोड़ा सा, तब हमारी इमली की मीठी चटनी तैयार हो जाएगी जिसे हम गोलगप्पे के साथ खाते हैं, चाट के साथ खाते हैं और रोटी के साथ भी ये बहुत स्वादिष्ट होती है ना मनु। सबसे पहले सरसों का तेल, बस भी हमारा कद्दूकस कर लिया है, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा सौंफ दरदरी कूट रखी है और तेल होने वाला है गरम। हम दोनों भाई बहन दिन भर कुछ न कुछ लगे ही रहते हैं, कुछ न कुछ पकाने वाली, स्पेशली हम दोनों बहुत बड़े नंबर के भक्कड़ हैं। सौंफ, पिसी हुई सौंफ ना खीर में भी अच्छी लगती है, टेस्ट आती है। अदरक गई हमारी। अब डाल देंगे इसमें इमली का पल्प जो हमने साइड किया हुआ था, गुठलियाँ निकाल कर सारा, और इसे भी पकाना है हमें अच्छे से। थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड करेंगे, इमली का जो पल्प था वो हमने इसमें सारा डाल दिया है और अब हम इसमें डालने वाले हैं थोड़ा सा पानी भी, क्योंकि जो बर्तन में लगा था वो भी हमने पूरा यूज कर लिया। ये गया थोड़ा सा इलायची पाउडर, कूटी हुई इलायची पाउडर। मैं ऐसे इलायची कूट के रखे रहती हूँ, मिक्सी में पीस लेती हूँ और इसी तरीके से मैंने अपना सौंफ भी पीस कर रखा हुआ है ये, तो हमने इसमें थोड़ा सा सौंफ का पाउडर भी डाला और इलायची का पाउडर भी डाला। और ये चटनी बना रहा है हमारे साथ मेरा छोटा भाई, मोटा भाई, गुजराती वाला मोटा भाई नहीं, सच में वाला मोटा, मेरा छोटा भाई। थोड़ा हल्दी जोर से बोल। धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, ये सारे पाउडर टेबल स्पून से डाल देना, इसकी पास तो क्वार्टर स्पून है। अरे मेरी तो सही में आके मेरी मजाक उड़ा रहा है, इतनी चम्मच बहुत होती है। अरे भाई देखो, जो किचन में काम करता है उसको पता होता है ना कौन से चम्मच से कितना डालना, अब टेबल स्पून मिले या क्वार्टर स्पून मिले। अब हम जानने वाले हैं इसमें नमक। याओ, ये गया गुड़। चीनी का यूज बिल्कुल ना करें, गुड़ ही डालें बस। हाँ, असली टेस्ट तो गुड़ी से आता है। थोड़ा सा और डाल दें, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। अब इसके साथ आज मैं बनाने वाली हूँ गोलगप्पे और इसके लिए भी मेरी पूरी तैयारी हो रखी है। मैंने कर रखे हैं आलू बॉयल, ये मेरे आलू बॉयल हो रखे हैं और जो गोलगप्पे वाले हैं, गोलगप्पे मैं घर में नहीं बनाने वाली यार, ये फ्राइज लाई हूँ ये, तो हम दोनों भाई बहन मिलकर गोलगप्पे की दावत उड़ाने वाले हैं। अभी इनको कट करूँगी, फिर मस्त से चाट मसाला डालूँगी, थोड़े किशमिश भी डालते हैं इसमें। ये गई किशमिश, और डालना थोड़ी किशमिश और काजू भी ला। काजू थोड़ा हाथ से ब्रेक करना है। वाव, हम हैं पुराने जमाने के सैफ अली खान। वाव।
वाव मम्मी वाव भाईजी तो बोलते ना वाव थोड़ा सा गुड़ हमको कम लग रहा है तो और ऐड कर दिया है। थोड़ी सी सौंफ भी डाल देते हैं। हैं? किसी भी सौंफ में से कुछ भी नहीं आती है। सौंफ तो गोली में जाए ना तो कुछ भी नहीं छोड़ती है। अच्छा मतलब कैसी वैसी सौंफ? अब थोड़ा सा गुड़ डाल के हमने इसको और बैलेंस कर लिया है। पहले गुड़ थोड़ा कम हो रहा था तो थोड़ा सा पानी इसमें डाला है दोबारा से और बाकी ये तैयार है। थोड़ा ये उबल गई है। चल बंद कर। गंदगी तो निकाल दो। गंदगी होती है ना गुड़ उड़ में रहती है। दोस्तों ये झाग की तरह जो आता है ये गुड़ की या चीनी की गंदगी होती है तो इसे ज़रूर आप निकाल लें कोशिश करके। थोड़ी सी बची है भी इसको भी निकाल देते हैं। निकालने की कोशिश तो करो। Now it's tasting time. और ये मस्त हो रहा है। अब हमारी पक गई है तो हम इसको शिफ्ट कर देते हैं। इसको गैस को भी बंद कर देते ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए ना। ये हमारा तैयार हो चुका है और हमने इसको अब ठंडा होने के लिए रख दिया है ताकि हम इसको कुछ समय बाद खाएं। आप इसे स्टोर कर सकते हैं 15 से 20 दिन के लिए। वैसे फ्रिज में वैसे 1 महीना भी चल जाती है पर फिर भी 10 से 15 दिन सेफ साइड होती है। तो ये हमारी इमली की चटनी है सौंठ वाली। हमने बना लिए हैं गोलगप्पे मस्त मस्त। आलू का मसाला चटपटा, आलू प्याज का मसाला है, पानी, दही और इमली की चटनी। चलो फिर शुरू करो। ये गया मस्त मस्त इमली की चटनी, गोलगप्पे चटपटे से। अरे इसी को डुबा ले सीधे। वाह मस्त हो रहा है ना। अब ये मत कहना भैया कि तेरी सेवा पानी नहीं हो रही है। हाँ